नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदर्श। खबर इवा जिले से है, जहां आचार संहिता लागू होने के बाद सैकड़ों अपराधियों को पुलिस पकड़कर जेल में ठूस रही है, लेकिन अवैध असलहों के साथ अपराधी खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला समान थाना क्षेत्र के V2 मार्ट के सामने का है, जहाँ सिरमौर बिजली विभाग में पदस्थ जूनियर इंजीनियर रमेश तिवारी के सीने में गोली मारी गई है। गोली चलने की घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पूछताछ कर रहा है, गोली मारने वाला कौन है, किन कारणों के चलते गोली मारी गई है, इसका जवाब पुलिस नहीं दे पा रही है। इस मामले में जब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो फोन रिसीव नहीं किया। अब आप सोच सकते हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद पूरे जिले में भारी पुलिस बल तैनात है, ऐसे में सरेरा भीड़भाड़ वाली एरिया में गोली चलने की घटना क्या दर्शाती है। घायल के रिश्तेदार ने बताया कि वह घर से घूमने निकले थे, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कहाँ पे है एम्बुलेंस? वहाँ वो बुलाइए। चाचा खड़े मोबाइल एम्बुलेंस आ गई, नहीं तो इसमें आ जाइए। हेलो, हाँ जी जी जी, चाचा खो गई है क्या? हुआ है गोलीकांड, हुआ है क्या मामला, कहते हैं ये हमको खुद भी नहीं पता। हम अभी कुछ ही देर पहले
घर से निकल रहे थे, घर में थे मैडम सब, हमारी मैडम है उनकी जो है, तो निकल रही थी ऐसे ही, तो पता चला अचानक से उनको गोली लगी। हमारे वो रिश्ते वो लगते हैं, क्या बोलते हैं, बड़े फादर इन लगते हैं। इनकी कहाँ गोली लगी है? ये यहाँ पे लगी हुई है, हाँ ऊपर सीने के ऊपर लगी हुई है। वाले कौन है, कुछ पता है क्या? ये कुछ पता नहीं, अब इसकी जांच चल रही है। पुलिस वाले बेचारे तुरंत वही ले आए, पुलिस वाले ही पहुंच गए तुरंत, वो सर्चिंग था चल रहा था उसी टाइम, वो लोग भी पहुंच गए वहाँ पर और ये निकल रहे थे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पता नहीं, अब आ जाए जांच में पता चले। एक्चुअल में ऐसे घूम मतलब मार्केट तरफ गए रहे थे, नहीं कभी नहीं। ये तो ऐसे बात है कि इनसे कोई किसी का कोई मतलब वो था भी नहीं किसी तरह का। ये जेई है एमपीएबी में सिलतरा में। आपका क्या नाम था? अनिल मिश्रा।